नमस्कार जोहार, स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जंकी मंकी के फाउंडर शिवम सिंह जी को। बता दें कि शिवम सिंह जी एक मेटल स्क्रैप आर्टिस्ट हैं और ये अपने विजन और क्रिएटिविटी के माध्यम से मेटल्स और स्क्रैप आइटम्स का यूज़ करते हुए काफ़ी खूबसूरती से होम डेकोर आइटम्स और अन्य प्रोडक्ट्स भी डिज़ाइन करते हैं। तो इस पर परिचर्चा के लिए हम और आगे जानेंगे शिवम सिंह जी से। तो शिवम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया सोनम जी, आपके इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। पहली बात तो मैं सारे झारखंड वासियों को जोहार कहना चाहूँगा और दूरदर्शन को भी मैं काफ़ी शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से मैं अपनी बातों को रख सकूँ। और काफ़ी अच्छा लगा कि ऐसी चीज़ें जो कि ज़्यादा एक्सपोज़र में नहीं है, बट इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो चीज़ें आज लोगों के सामने आएंगी और आपके थ्रू इन चीज़ों पर प्रकाश मेरे ख्याल से पड़ेगा काफ़ी अच्छा। शिवम जी, आप एक मेटल स्क्रैप आर्टिस्ट हैं, लेकिन आप मतलब किस तरीके से आपका ये जो वेंचर है जंकी मंकी, किस तरीके से ये सोसाइटी को हेल्प कर रहा है या क्या एक एक्स्ट्रा एडेड फ्लेवर ये सोसाइटी में क्रिएट कर रहा है, इसके बारे में आप हमें बताइए। मैम, जंकी मंकी जो एक कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली जितने भी स्क्रैप मटीरियल्स होते हैं इनसे हम रिसाइकलिंग करके इनको एक नए प्रोडक्ट और एक खूबसूरत प्रोडक्ट में तब्दील करते हैं। और इन चीज़ों का स्टार्ट मतलब मेरे कॉलेज जर्नी या आप कह सकते हैं कि बचपन से स्टार्ट हो गया था। तो ये जो चीज़ें होती हैं, अगर मैं खास करके मेटल पे काम करता हूँ ज़्यादातर, अदर प्रोडक्ट पे भी काम करता हूँ, अदर मटेरियल्स पे भी काम करता हूँ, बट ज़्यादातर मैं मेटल पे काम करता हूँ। तो इसका मेन एक तो रीज़न ये भी है कि अगर आप देखोगे कि अगर एक लोहा ही है तो उसको रिसाइकल करने में कितना रिसोर्सेज खर्च करती है गवर्नमेंट या फिर कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री। उसको एक तो पहले कोई गाड़ी वाला आएगा जो आपके घर से वो समेटेगा उस चीज़ को, कचरा लेगा, फिर वो जाएगा, फिर वो फैक्ट्री पे वो रखेगा और फिर उसे एक मतलब कि हाई टेम्परेचर भट्टी पे उसको गलाएगा, फिर उसको शेप देगा, फिर कंपनी की जो भी प्रोसेस है वो एक, फिर लास्ट में जाकर वो एक फ़ाइनल प्रोडक्ट में बन के वो आपके सामने मार्केट में आएगा। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, काफ़ी खर्चीला है, काफ़ी रिसोर्सफुल है, काफ़ी इसमें पॉल्यूशन होता है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे क्या मतलब बहुत लोगों को नहीं लगता होगा कि ये चीज़ ठीक है। तो मेरे तरफ से ये काफ़ी छोटा सा प्रयास है, हालांकि बहुत जगह इन चीज़ों पे काम हो रहा है, बट मेरी तरफ से एक ये छोटा सा इनपुट है अपने समाज के लिए कि हम क्या करते हैं कि मटेरियल्स को डायरेक्ट जंकयार्ड से उठाते हैं, उनको थोड़ा बहुत साफ़ करके उसको एज इट इज़ जैसा भी है, वो जिस भी शेप में है उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उसको एक अच्छी सी कलाकृति में उसको तब्दील करते हैं। जी शिवम जी, क्या इससे पहले आप कोई जॉब वगैरह भी कर रहे थे? आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, इससे पहले कोई जॉब वगैरह भी कर रहे थे, इसके बारे में हमें कुछ बताइए और कैसे ये वेंचर सामने आया जो कि आज हम जंकी मंकी के फॉर्म में देख रहे हैं? मैम, आफ्टर इंटरमीडिएट मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ था कि मुझे करना क्या है, क्योंकि हमारे समाज में आजकल बचपन से ही आपके दिमाग में रहता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बट मुझे कला में, ड्राइंग में, स्केचिंग पेंटिंग में काफ़ी रुचि था बचपन से। तो कुछ एक दो रिलेटिव ने मुझे मतलब एक कॉलेज के बारे में बताया जहाँ पे कि डिज़ाइंस के बारे में मतलब कि आपको वहाँ पे एजुकेटेड किया जाता है इन चीज़ों को लेके, जिसका नाम है निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट एंड एक्सेसरी डिज़ाइन का कोर्स करा 4 साल का, और उसके बाद आफ्टर कॉलेज मैंने जॉब वगैरह करा, जैसे कि एक डिज़ाइन हाउस था, कुछ एक्सपोर्ट हाउस थे, कुछ MNCs कंपनियाँ भी थी जिसमें भी मैंने जॉब किया। बट जॉब में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मेरी चीज़ें फुलफ़िल हो नहीं पा रही है, क्योंकि मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ, अपना वक्त दे रहा हूँ, काम मैं उनके लिए कर रहा हूँ, बट वो जो प्रोडक्टिव चीज़ मुझे चाहिए अपने लाइफ में वो मुझे अचीव नहीं हो पा रहा है। आपकी क्रिएटिविटी और डिज़ाइन फुल्ली एक्सप्लोर नहीं हो रहा है? हाँ, क्योंकि अगर आप किसी भी संस्था या किसी भी इंडस्ट्री के लिए काम करते हो तो आपको उस कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ही काम करना होता है। आप अपना कंसेप्ट दोगे भी तो मे भी शायद वो बोलेंगे कि ये इतनी क्रिएटिविटी भी नहीं चाहिए हमें भाई। तो सब तरह की बातें होती हैं। तो हालांकि मेरे दिमाग में ये चीज़ें थी पहले से भी कि इस चीज़ को एस्टेब्लिश किया जाए, बट इसके लिए कैसे क्या वे हो कि
कि लोगों के सामने इन चीज़ों को लाया जाए, क्योंकि अगर आप किसी को भी बोलोगे कि मैं कबाड़ से कुछ बनाता हूँ तो वो पहले तो हंसेंगे, फिर बोलेंगे कि आप पैसे कैसे कमाओगे भाई कबाड़ से। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, पहले तो अपने आप को आप बैलेंस करके आपको चलना होगा, कि आपको अपना माइंड मेकअप करना होगा कि हाँ मैं सही में अपने हाथ गंदे करने वाला हूँ, फिर आप कुछ एक प्रोडक्टिव चीज़ें दे पाओगे। तो कॉन्सेप्ट तो खैर बचपन से ही आ रहा था, इस चीज़ का इंस्पिरेशन मुझे बचपन में ही मिला। बचपन से किस प्रकार से आपको इस चीज़ का इंस्पिरेशन जी मिला? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं आप लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा दूरदर्शन को, क्योंकि जब हम बचपन थे तो हमारे टीवी में बस एक ही शो आता था, दूरदर्शन का प्रसारण होता था उस टाइम पे। तो उसके माध्यम से तरंग एक चैनल आता था, तो उसमें काफ़ी अलग अलग चीज़ें हमें मतलब बनानी सिखाई जाती थी। तो उससे उसका भी लाइफ में एक अलग ही प्रभाव रहा है, तो काफ़ी कुछ उनसे सीखा, उस शो से सीखा। मतलब तो उसमें से आपने ये निकाला कि स्क्रैप जो मटेरियल्स हैं उससे भी हम कुछ ना कुछ हेल्पफुल बनाकर उसको हाँ यूज़ मतलब कर सकते उसका हैं। बेसिक पर्पस ये था कि आपके पास जो इर्द गिर्द जो भी सामान है आप उससे कैसे एंटरटेनिंग प्रोडक्ट्स बना सकते हो। तो वो चीज़ें काफ़ी इंस्पायर्ड किया है मुझे। तो अपने दूरदर्शन के तरंग कार्यक्रम से कहीं ना कहीं आपका ये इंस्पिरेशन उभर गया? बिल्कुल। और बचपन में कोई भी अगर उस टाइम तो इतने गैजेट्स या फिर वीडियो गेम्स नहीं हुआ करते थे, तो हम जुगाड़ू काफ़ी हुआ करते थे उस टाइम पे, कि आप माचिस के डब्बे से ट्रेन बना दिया आपने, कुछ पेपर को रैप करके कोई क्रिएचर बना दिया, बैडमिंटन ही खेल रहे हैं तो कॉपी के पीछे के गत्ते को खार के आपने और कुछ किसी फूल को लेकर आपने उसको शटल बना दिया, रैकेट बना दिया। तो ये चीज़ें जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गई थी। बट बात वहीं पर आकर टकती है कि आप अपने आप को पहचान कर रहे हो, आपको पता है कि आप वो चीज़ें करना चाहते हो बट आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, आप थोड़े कन्फ्यूज़न में रहते हो कि हाँ भाई मुझे तो इंजीनियरिंग करनी है, मुझे तो पैसे कमाने हैं, बट आपको करना क्या है कभी कभी पूरी लाइफ निकल जाती है, कभी कभी आपको सही टाइम पे वो क्लिक हो जाता है कि हाँ भाई मुझे करना तो यही है। तो आपका क्या ऐसा कुछ इनिशियल इंस्पिरेशन रहा था कि आपको ऐसा कुछ करना है या ये बनना है, और फिर लेटर जाकर आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं मुझे ये नहीं, मुझे एक्चुअल में ये करना है? हाँ, इसमें मैं अपने कॉलेज को भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जितना अच्छा माहौल मुझे मिला डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है डिज़ाइनर्स के लिए, तो वहाँ पे जो मुझे एक माहौल मिला और जिस तरह के लोग मेरे जो भी फैकल्टीज़ थे, जो मेरे आसपास के दोस्त थे, तो वहाँ का एक्चुअली माहौल बहुत ही कमाल का था। आप डिज़ाइंस बना रहे हो, चीज़ों के बारे में सुन रहे हो, हिस्ट्री के बारे में जान रहे हो, इतिहास के बारे में जान रहे हो कि लोग अगर ये स्कल्पचर बनाते थे तो क्यों बनाते थे, इसके पीछे की स्टोरी क्या होती थी। तो धीरे धीरे जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। बट हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम हुआ था एक टाइम पे, स्पेक्ट्रम होता है जिसमें कि सारे कॉलेज के बच्चे मिलते हैं और उस टाइम पे आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव बनाते हो। तो मैं ऐसे ही जंक यार्ड के साइड से गुजर रहा था, तो मुझे कुछ ऐसे शेप्स दिखे जिसमें कि मुझे एक फॉर्म दिखा कि इससे मैं हाँ ये चीज़ मुझे इसमें दिख रहा है। तो मैंने फिर उस स्क्रैप यार्ड को उठाया और वेल्डर के पास गया, फिर उसको मैंने बोला कि इसको ऐसे ऐसे जोड़ना है। मतलब उन स्क्रैप मेटल्स को आपने जंक यार्ड से उठाया और अपनी क्रिएटिविटी और विजन के हिसाब से उसको जुड़वाया? जी, उसको असेंबल करवाया और फिर हमने उसको कॉलेज में एक जगह पे गार्डन एरिया में उसको डेकोर किया। तो टीचर्स और जो हमारे डायरेक्टर सर थे वो काफ़ी खुश हुए थे। तो उस टाइम से मुझे काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला उस चीज़ को लेकर, और लोगों फिर वो की जर्नी जो सराहना थी जी, उसने आपको जी, और प्रोत्साहित किया। जी जी, तो वो चीज़ लाइफ में काफ़ी एक मदद किया मुझे, मतलब इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ने के लिए। शिवम जी, ये बताइए कि आप जॉब कर रहे थे जी, राइट? तो जॉब करते करते अचानक से आपको ऐसा कब लगा कि हाँ आपका खुद का आपको कुछ स्टार्टअप क्रिएट करना है किसी ऐसे कंसेप्ट के साथ? मतलब कैसे ये ओवरऑल आया ये कंसेप्ट आपके जॉब करने से लेकर अभी तक? मैम, जॉब में जैसे मैं जॉब जो भी मैंने जॉब किया, एक तो डिज़ाइन हाउस की दिक्कत ये है कि वो अपने कॉन्सेप्ट के ही इर्द गिर्द आपको घुमाते हैं। एक्सपोर्ट हाउस की दिक्कत ये है कि वो काफ़ी लिमिटेड स्टॉक ही एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर अदर इंडस्ट्रीज़ में जाओगे आप तो उनके थीम्स काफ़ी लिमिटेड रहते हैं। बट जिस तरह के आर्ट्स मैं बनाता था उनके लिए एक तो मार्केट काफ़ी लिमिटेड है अपने इंडिया में, तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्सपोज़र ज़्यादा नहीं है उन चीज़ों का। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि अपने हाथ गंदे कौन करे, स्क्रैप और उससे रिसाइकल करके कोई भी नया प्रोडक्ट बनाना वो लोगों के दिमाग में जल्दी फिट नहीं होते हैं। हालाँकि कई जगह पर हो रहे हैं ये चीज़ इंडिया में, बट वो इतने निखर के नहीं आ रहे हैं।
तो बट मुझे इंटरेस्ट पता नहीं, इसमें काफ़ी स्टार्टिंग से ही मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट था। मैं जो भी कंपनीज़ में भी बनाता था उनको भी पसंद आता था। बट दिक्कत ये है स्क्रैप यार्ड के साथ, स्क्रैप मटेरियल के साथ, कि आप उन चीज़ों को बल्क में नहीं बना सकते हो, क्योंकि आप अगर किसी भी कबाड़ खाने में जाओगे, स्क्रैप यार्ड में जाओगे, तो अगर आपको चाहिए होगा कोई सामान, तो आप अगर सोच के कहोगे कि मुझे ये चाहिए, तो आपको वो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, आपको उसके जगह पर कुछ और मिल जाएगा। तो आपको उससे ही फिर वो आर्ट वर्क बनाना है, या फिर जो भी आपने सोच रखा है पहले से, तो मतलब जो भी अवेलेबल है स्क्रैप में, उसी से हमें अपने विजन को शेप देना। तो पहला चीज़ तो ये है कि वो प्रोडक्ट अपने आप में तभी यूनिक हो गया, कि उस प्रोडक्ट का दूसरा पीस नहीं बन सकता है, वो एक सिंगल प्रोडक्ट ही हो गया आपके लिए। हाँ, हम स्टॉक में भी बना सकते हैं, जैसे अगर हमें एक्सपोर्ट ही करना है काफ़ी क्वांटिटी में, तो कुछ मटेरियल्स को लेके, जैसे शीट्स वगैरह हो गए या फिर कुछ ऐसे चीज़, तो उनसे हम एक क्वांटिटी में प्रोडक्ट बना सकते हैं। बट जो भी बड़े बड़े स्कल्पचर्स होते हैं या फिर इंस्टॉलेशन आउटडोर के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं, वो काफ़ी हम मतलब कि सिंगल इक्का दुक्का में ही बना सकते हैं, ज़्यादा उसमें क्वांटिटी की हम अपेक्षा ना करें तो ही अच्छा है। आपकी स्क्रैप मेटल आर्टिस्ट की जर्नी के बारे में तो हमने ही जाना कि आप स्क्रैप मेटल आर्टिस्ट कैसे बने, एक जंकी आर्ट से गुजरते हुए आपको एक विजन आया जिसको आपने शेप दिया और फिर आप शेप देते चले गए। अगर हम बात करें शिवम जी की, अभी आपने मेंशन करा कि मार्केटिंग जो प्लेस है वो इंडिया में सुटेबल मार्केटिंग प्लेस नहीं है इस तरह की चीज़ों को लेकर, ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं है, ज़्यादा बढ़ावा नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा एक सुटेबल मार्केटिंग प्लेस नहीं है और क्या होना चाहिए था इसके बजाय? मैम, जब मैं जॉब में था तो हम एक हैंडीक्राफ्ट्स के संस्था के साथ जुड़े हुए थे, जिसमें कि वो प्रमोट कर रहे थे वहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को। तो उसमें सरकार अब क्या कर रही है कि उनको प्लेटफॉर्म दे रही है, एक्सपोजर दे रही है, मार्केट प्लेस दे रही है, उनके लिए एक मतलब फेयर वगैरह, एग्जीबिशन वगैरह भी लगाए जाते हैं काफ़ी जगह पे। तो हैंडीक्राफ्ट्स जैसे जैसे इनको अभी एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ है, तो बट हमारे प्रोडक्ट से हद दिक्कत ये है कि इनको कोई जानता ही नहीं है ठीक से। अगर उन्होंने कहीं पर देख लिया तो उनको वहाँ पर बहुत अच्छा लगा, बट वो जानते नहीं कि ये प्रोडक्ट आया कहाँ से। हैंडीक्राफ्ट हालाँकि ये भी है, बट ये थोड़ा अलग है उनसे। जैसे कि हम लोकल मटेरियल्स को लेके कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, ये लेकिन बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है कि हम कहाँ से ये मटेरियल ला रहे हैं, इसको कैसे सोर्स कर रहे हैं, कैसे इसको बना रहे हैं, तो ये सेक्टर ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो मुझे कभी शायद सोचा भी नहीं होगा कि स्क्रैप से भी इतनी खूबसूरत आइटम्स बन रहे हैं। होते हैं, बनते हैं प्रोडक्ट्स, ये बिकते भी हैं, बट ये आपको काफ़ी लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स पर मिलेंगे। ये आपको कोई भी मतलब कि इसके लिए इंडस्ट्रीज़ नहीं है या फिर कोई कंपनी नहीं है। तो सरकार को इस पे ये करना चाहिए कि इनके लिए कुछ एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए लोगों के लिए। पहली बात तो लोगों को थोड़ा बताना, मतलब कि समझ में भी आना चाहिए कि ये है क्या, उनको थोड़ा एक्सपोजर मिलना चाहिए इस हैंडीक्राफ्ट को लेके कि ये क्या है। एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, मार्केट प्लेस देना चाहिए, और फिर एग्जीबिशन वगैरह भी हो तो ज़्यादा अच्छा है, लोग जानेंगे और फिर चीज़ें भी बिकेंगी और हमारे लिए भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। शिवम जी, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहती है इन प्रोडक्ट्स को फैलाने के लिए या इन प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वेंचर आप ही का है, यूनिक वेंचर है नो डाउट, तो इसमें आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहती है ताकि ये लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलित हो सके? मैम, अभी तो मार्केटिंग की जो भी हमारी जो भी हम मार्केटिंग को लेकर काम कर रहे हैं, वो अभी हम सोशल मीडिया के थ्रू ही कर रहे हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप चैट हो गया, और कुछ जगह हमने एग्जीबिशन वगैरह लगा दिया तो लोगों को वहाँ से पता चल गया। कुछ शॉपिंग वेबसाइट हैं, इट्सी हो गई, अमेज़ॉन हो गया, तो इनके थ्रू अभी हम फ़िलहाल सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स। बट रिटेल स्टोर में अभी हम इन चीज़ों को नहीं डालते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों का थोड़ा कम इन चीज़ों को लेके, वो उनको अच्छा काफ़ी लगेगा बट वो उस तरह का दाम नहीं देना चाहते हैं जो उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एरियाज़ के लिए बना रहे हो, किस सिटी के लिए बना रहे हो, तो ये इसमें ये भी डिपेंड हो जाता है, थोड़ा कॉस्ट फैक्टर भी है कि इसमें। आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉड्यूल क्या है अपने बिजनेस को सस्टेन रखने के लिए? मैम, हम प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं, और जो भी संस्था है या फिर जो भी NGOs है, कोई भी सरकारी कंपनी हो गई या फिर कोई प्राइवेट कंपनी है, तो उनसे हम बात करते हैं और फिर उनसे मिलके हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी है, जो भी उनकी डिमांड होती है, उनको फुलफिल, उनके हिसाब से फुलफिल करते हैं उसको, उनके टेस्ट के हिसाब से उसको जी फुलफिल जी करते हैं। जी, यूजिंग स्क्रैप मेटल्स। हाँ जी जी।
अगर हम बात करें तो किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए या किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए इनिशियली फंड्स की ज़रूरत होती है जी। तो क्या आपको भी इनिशियली ऐसे किसी फंड्स की ज़रूरत पड़ी थी या उसको आपने कैसे मैनेज करा? मैम मेरी जो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो काफ़ी मतलब लो बजट में स्टार्ट हुई थी जी, बिल्कुल। मैंने अपनी सैलरी से भी कुछ सेव किया था, फिर घर वालों का भी थोड़ा सपोर्ट था, तो घर वालों को भी मैं स्पेशली थैंक बोलना चाहूँगा कि उनका भी काफ़ी सपोर्ट था इन चीज़ों को लेके। तो काफ़ी लो बजट में मैंने प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किए थे और उसको धीरे धीरे करके मतलब इक्का दुक्का प्रोडक्ट ऐसे मैंने मतलब कि उसको मैंने सेल आउट किया, तो उससे फिर जो भी मेरी कमाई हुई फिर उसको मैंने अलग प्रोडक्ट्स पे लगाया, फिर कुछ कंपनी जैसे कि कुछ एनजीओज हो गए उनसे हमें प्रोजेक्ट्स मिला तो उनसे कुछ कमाई हो गई, फिर कुछ गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं तो उनसे हम मिले तो उनके थ्रू कुछ कमाई हो गई। तो मतलब अभी इस चीज़ में मुझे मतलब ऐसे लोन या फिर ऐसे कुछ स्कीम्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो ये मतलब खुद ही मतलब बात करके कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आप मतलब इस चीज़ को जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। सरकार के प्रोजेक्ट से आपको कमाई तो हुई, आमदनी हुई, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं स्टार्टअप्स को लेकर, तो क्या उन ऐसी किसी स्कीम्स का आपको अभी तक लाभ मिल पाए हैं? मैम सरकारी स्कीम्स में अभी तक मैंने एंटर किया नहीं है क्योंकि उसमें काफ़ी एक तो टाइम ज़्यादा लगता है और उतना पेशेंस हमारे पास होता नहीं, क्योंकि हम डिज़ाइनर्स हैं, हम थोड़े क्रिएटिव होते हैं, अगर हमारे दिमाग में अभी अगर ये आए कि हम ये बनाना चाहते हैं तो हमें उस टाइम ही बनाना है, दो दिन के बाद हमारे दिमाग में कुछ और आ जाएगा तो फिर हम वहाँ के लिए मूव कर जाएंगे। तो हालांकि इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी नहीं है, मे भी काफ़ी अच्छी स्कीम्स रहती हैं गवर्नमेंट्स की, अदर लोगों को भी काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं इससे, बट मुझे अभी इनकी ज़रूरत पड़ी नहीं है। अगर हम बात करें आपके साथ अभी फ़िलहाल में कितने लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में, तो फ़िलहाल आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके वेंचर में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? मैम इन चीज़ों में हम ज़्यादातर इनडायरेक्टली लोगों को ही शामिल करते हैं, हम किसी भी किस प्रकार हम से? जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा वर्क हाउस है तो हमें अगर मान लीजिए काम करना है रांची के लिए, तो रांची में हम एक वर्क प्लेस जो है मतलब वो रेंट पे ले लेते हैं, वहाँ के कुछ कारीगर्स को वहाँ पे फ्रीलांस एज अ फ्रीलांसर, हाँ उनको एज अ फ्रीलांसर हायर कर लेते हैं, कुछ जो आईटी के बंदे हैं उनको हायर कर लेते हैं, कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर हैं उनको हायर कर लेते हैं, तो जितने भी लोग होते हैं ये सब हमारा सारे फ्रीलांसर्स ही होते हैं, हमने परमानेंट कुछ नहीं किया हुआ है। और मैंने ये भी देखा है कि आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए होते हैं एज फ्रीलांसर्स या जो भी आपके वेंचर में जुड़े हुए हैं उनको आप ड्यू इम्पोर्टेंस देते हैं और रिकॉग्निशन देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो भी एक तरह से फ्रेशर ही हैं वो। तो ये करने के पीछे क्या मतलब रीज़न रहता है? मैम एक तो मैं जो लोगों जिन लोगों को भी जोड़ता हूँ वो फ्रेशर होते हैं, वो जिन्होंने अभी तुरंत कॉलेज किया हुआ है और फिर वो तुरंत अभी फील्ड में आए हैं, तो एक तो उनको यहाँ से सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है कि ये कुछ नया है मार्केट में, बाकी जगह तो चीज़ें हो रही हैं कि इंडस्ट्री में आपको पता है कि ये चीज़ें बनेंगी, इसकी मार्केटिंग ऐसे होगी, इनका प्रोसेस ऐसे होना है, बट ये जो चीज़ें हैं एक तो प्रोडक्ट वाइज भी अलग है, इनकी मार्केटिंग भी थोड़ी अलग हो जाती है, तो वो काफ़ी अच्छा इनपुट भी देते हैं, काफ़ी यंग होते हैं वो, और जब वो कारीगर भी काफ़ी मतलब सपोर्टिव है, जब उनको लगता है कि अच्छा ये तो हम ग्रिल गेट बना रहे थे, दरवाज़ा बना रहे थे, अब ये क्या बना रहे हैं, कुछ अलग ही एनिमल बना रहे हैं, तो उनका भी काफ़ी अच्छा एक रुझान और जो मतलब एक अटेंशन होता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, वो हमारे साथ आगे भी जुड़ना चाहते हैं, वो हमें कहते हैं कि अगर आप कहीं भी प्रोजेक्ट कर रहे हो तो प्लीज़ हमें बताओ इस और उन्हें ड्यू रिकॉग्निशन देने से उनका रुझान और बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल क्या है, जो भी लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं उनके साथ आपका किस प्रकार का रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल है? मैम हम पर डे के हिसाब से इस चीज़ पर काम करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो मंथ वाइज भी काम करते हैं, या फिर जो भी फ्रीलांस जो भी उनकी एक्सपीरियंस होती है या फिर जो भी उनको प्रोत्साहन के लिए हम दे सकते हैं तो हम वो पूरी कोशिश करते हैं। शिवम जी अगर हम बात करें चैलेंजेस की आपकी जर्नी में, तो कोई भी स्टार्टअप आदमी क्रिएट करता है तो उस समय इनिशियल फेजेस में करंट फेजेस में काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे कुछ चैलेंजेस जो आपने फेस करी हूँ जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? एक्चुअली चैलेंजेस कुछ होता नहीं है मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि अगर आप रेडी हो किसी भी चीज़ को लेके तो आप रेडी हो, आप उस चीज़ को कर सकते हो, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो अपने काम को लेके तो फिर डाउट है, क्योंकि फिर आपको अपने घर वालों को भी समझाना पड़ेगा, उससे पहले आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा, अगर आप अपने आप को नहीं समझा पा रहे हो तो फिर घर वालों को क्या समझाओगे और समाज को क्या समझाओगे कि मुझे ये करना है। सबसे पहले तो आप कॉन्फिडेंस हो जाओ अपनी चीज़ों में, 100% श्योर हो जाओ कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये पता है इस चीज़ का मैं मास्टर हूँ, इस चीज़ में मैं कुछ अच्छा करूँगा। अगर आपने वहाँ पे अपना ग्रिप बना लिया फिर घर वालों को भी आप समझा सकते हो, वो भी एक टाइम पे आपको सपोर्ट करेंगे,
मार्केट तो फिर आपके प्रोडक्ट्स के लिए मतलब हमेशा शुक्रिया करेगी जो भी आप आगे मतलब बनाओगे, तो अगर आप क्वालिटी डिलीवर करते हैं जी राइट। शिवम जी हमें ये बताइए कि जो भी कोई भी एक स्टार्टअप होता है तो अक्सर उसका एक मेजर मोटिव होता है कि सोसाइटी में कोई भी ऐसा गैप है जो अभी फिलहाल प्रेवलेंट नहीं है, तो उसको मुझे इंट्रोड्यूस करना है सोसाइटी में, उस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना है। तो मेजर उसका चैलेंज होता है उस यूनिक कंसेप्ट को सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करना ताकि सोसाइटी के लोग उसको एक्सेप्ट कर सके। तो इसके लिए आपके क्या प्रयास रहे ताकि आपका जो ये यूनिक कंसेप्ट है विथ योर यूनिक यूएसपी उसको आप सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कर पाए और सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट करा पाए लोगों के बीच? क्योंकि होम डेकोर के आइटम्स तो और भी मार्केटिंग कंपनीज प्रिपेयर कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आपके कंसेप्ट में ऐसा क्या है कि लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे? मैम पहली बात तो मैं खास करके मेटल्स पे ज़्यादा काम करता हूँ, और मेटल्स के प्रोडक्ट क्या होते हैं कि वो अपने आप में एक प्रीमियम लुक काफ़ी वो एक शो करते हैं अपने आप में, और उन चीज़ों की कदर भी काफ़ी है। और ख़ास करके बाहर के कंट्रीज़ में जहाँ पे कि मेटल ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होते हैं तो वो इंडिया में बल्क में मेटल्स के प्रोडक्ट ख़रीदते हैं क्योंकि उनके यहाँ लोहा की बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो एक ये भी प्लस पॉइंट है कि आप अपने लोहे वाले या फिर मेटल के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। और फुलफ़िल जहाँ तक सोसाइटी में करने की बात है तो आप देखो ना कितने मतलब आप रोड पे ही निकल जाओ, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी फेंके हुए हैं, मतलब कुछ इधर फेंका हुआ है, काफ़ी कचरा फैलाया हुआ है, ऐसे ऐसे मतलब मैंने बस ट्रक्स और काफ़ी अलग अलग व्हीकल्स देखे हैं जो कि बस सर रही है वो, उसका कोई देखने वाला नहीं है, और उन्हीं में से आप निकाल निकाल के और होम डेकोर बस 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 हमें बस जाना है, उनको थोड़ा समझाना है कि हम आपके प्रोडक्ट के साथ ऐसा करना चाहते हैं, आप उनको ख़रीद लो या तो, और फिर उनसे कुछ आप नया बनाओ, अच्छा बनाओ, लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप ऐसी चीज़ें बनाते हो तो। हमने आपके प्रोडक्ट्स में देखा है ट्रक के भी जो स्पेयर पार्ट्स हैं, साइलेंसर हैं, हॉर्न्स हैं, उसको भी आपने यूज़ किया हुआ है होम डेकोर में काफ़ी खूबसूरती जी। हम बहुत ही ऐसे ऐसे एक्सेसरीज यूज़ करते हैं जिनका लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि इसका भी कुछ बन सकता है, तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स का हमेशा वेलकम करते हैं और उनको मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से शो केस करने के जुगाड़ में रहते हैं कि भाई ये कुछ दिखे, मतलब यूनिक दिखे ये चीज़। इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है शिवम जी इन कामों के लिए, या इनिशियली कहाँ से मिली थी इसके बारे में हमें बताइए? मैम ये थोड़ी मतलब वो ड्रामेटिक वाली चीज़ें हो जाएंगी कि अगर मैं अपने इंस्पिरेशन के बारे में बताऊँ, अगर मैं बोलूँ तो मुझे यहाँ पे भी कुछ कुछ शेप्स ऐसे दिख रहे हैं, ये लाइट्स मेरे ऊपर आ रही है तो मुझे इसमें भी एक फेस दिख रहा है, अगर ये कैमरा मेरी तरफ से दिख रहा है तो मुझे ये भी एक कैरेक्टर दिख रहा है, तो ऐसी चीज़ मुझे इंस्पायर करती है, मुझे मतलब क्रिएचर में या फिर किसी भी ऐसे चीज़ों में मुझे एक कैरेक्टर नज़र आता है और उन कैरेक्टर्स को मैं पहले तो पेन के थ्रू पेपर पे उतारता हूँ और उस चीज़ को फिर मैं 3D या फिर बाय मटेरियल उन प्रोडक्ट्स को बनाता हूँ। शिवम जी आप हमें ये बताइए कि जो आपके टारगेट ऑडियंसेस हैं या टारगेट क्लाइंट्स हैं वो कौन रहते हैं जो आपके प्रोडक्ट को व्यू करें और स्पेसिफिकली उस पर अपना अटेंशन दें? मैम हमारे टारगेट एज ग्रुप में सारे ही मतलब एज ग्रुप के लोग हैं, अगर आप बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए हम टेबल लैंप्स वगैरह के प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, टॉयज़ भी बनाते हैं, सॉफ्ट टॉयज़ भी बनाते हैं पेपर मैशेस के या फिर जो कतरन वाले फैब्रिक्स होते हैं उनके भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अगर आप थोड़े अडल्ट हाँ काफ़ी वो लो कॉस्ट भी होते हैं बिल्कुल बिल्कुल अडल्ट हैं तो उनके लिए भी काफ़ी बारबेक्यू नेशन जैसे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं या फिर आप फ्लोर लैम्प बनाते हैं, गार्डन रिजॉर्ट होटल जो भी आप जिस भी फील्ड में बोलेंगे उनके लिए हम प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं या फिर कॉरपोरेट गिफ्टिंग के लिए भी हम प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट लाइन में हर एज ग्रुप वेलकम है, हम हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उनको पसंद करें और वो चीज़ उनको इंटरटेन करें। शिवम जी अभी तक तो आप यहाँ तक आए हैं अपनी स्टार्टअप को लेते हुए, इसके आगे और कहाँ तक आपका विजन है कि कहाँ तक आपको दिख रहा है कि और मुझे जाना है, नेक्स्ट 5 ईयर्स प्लान या विजन क्या है आपके स्टार्टअप? मैं तो मैम ये मानता हूँ कि अभी मेरी जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुई है, मैं बस अभी रिहर्सल कर रहा हूँ अपनी प्रोडक्ट लाइन के लिए, अपने सोसाइटी को कुछ डिलीवर अच्छा डिलीवर करने के लिए, तो ये बस वार्म अप है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब ऐसा कुछ विजन आपने सेट कर नहीं रखा? विजन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, आप जो कर रहे हो अभी कर रहे हो, जो आप डिलीवर कर रहे हो वो मायने रखती है कि आप अभी क्या दे रहे हो प्रोडक्ट लाइन मतलब कि लोगों को। विज़न तो मैम बहुत बड़े बड़े हैं बट मुझे लगता है जर्नी का ज़्यादा मज़ा है, आप कैसे सोसाइटी को क्या प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहे हो या फिर कैसे आप उनको हेल्प कर रहे हो, तो वो ज़्यादा
मायने रखता है। शिवम जी, अभी आपने बात करी कि आप कैसे सोसाइटी को हेल्प कर रहे हो और क्या प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहे हो, वो ज़्यादा मायने रखता है जी। बहुत सही, लेकिन आप इसमें वो क्वालिटी और वो सेटिस्फैक्शन उनकी साइट से कैसे इंश्योर करते हैं? कई बार होता होगा कि कस्टमाइजेशन भी कुछ कस्टमर्स ढूंढते होंगे, तो उस कस्टमाइजेशन को, उस सेटिस्फैक्शन को, उस क्वालिटी को आप उनके साइड से कैसे इंश्योर कर पाते हैं शिवम जी, इसके बारे में आप हमें बताइए। मैम, जब भी हम प्रोडक्ट डिलीवरी करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो उनका एक रिव्यू फॉर्म होता है जो कि वो फिलअप करते हैं, तो उनमें उसके रेटिंग्स वगैरह और जो भी उनके फीडबैक्स हैं, उनको कैसा लगा प्रोडक्ट्स, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो रिटर्न भी कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई प्रोडक्ट पहुँचाने में कहीं डिफेक्ट हो गया, टूट गया, तो वो हम उसके लिए कभी हमेशा तैयार रहते हैं कि वो प्रोडक्ट हमें रिटर्न भी कर सकते हैं। अगर बड़े बड़े इंस्टॉलेशन वाले प्रोडक्ट हैं, अगर उसमें कुछ टूट फूट जाता है या कुछ भी ऐसा डिफेक्ट आ जाता है, तो हम उनको जाकर ऑन द स्पॉट सही करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं हम जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो कस्टमर रिव्यू मेरे ख्याल से एक सर्विस को हमें मानना चाहिए कि आपका सर्विस कैसा है कस्टमर्स के लिए, तो वो अगर अच्छा है तो आपके प्रोडक्ट्स और जो कस्टमर है वो आपको मेरे ख्याल से वो अच्छा फीडबैक दे देते हैं और आपको सराहते रहेंगे, सपोर्ट भी करते रहेंगे जी मैम, और रेफरल्स भी आते रहेंगे जी। शिवम जी, कोई भी नया युवक या युवती या किसी भी एज ग्रुप का पर्सन अगर कोई नया स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है किसी आइडिया को लेकर आप ही की तरह, तो उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे, क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए, किन बातों का ध्यान देना चाहिए? अगर आप यंग हो तब तो शुरू हो जाओ, तब तो किसी की मत सुनो। अगर आपको लगता है कि आप सही हो, आपको अगर आप हाँ, लेकिन उसके बाद थोड़ा रिसर्च करो कि आप क्या कर रहे हो, ये प्रोडक्ट्स जो भी हम बिज़नेस करना चाहते हैं, ये इसका फ्यूचर क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब उसका देखो, उसकी हिस्ट्री पढ़ो और उसके बारे में रिसर्च काफ़ी अच्छे से करो। अगर आप उस चीज़ में फिर श्योर हो जाते हो कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, तो आप तो फिर किसी से पूछना भी नहीं है, आप बस स्टार्ट कर दो। अगर आप थोड़े ज़्यादा एज के हो तब तो आप बहुत ही अच्छी ज़्यादा रिसर्च करो उस चीज़ को लेकर, और फिर उस बिज़नेस से रिलेटेड लोगों से बात करो, फिर आप उस चीज़ को करो। बट वही बात है, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छी है और इसका मार्केट रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा हो सकता है, तो आप प्लीज़ करो, क्योंकि आप यंग हो, यंग ब्लड हो अभी, तो जितना आप एनर्जी अभी आप डाल सकते हो अपने काम में, वो शायद बाद में ना मिले, तो ये राइट टाइम है आपके लिए। शिवम जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी खास जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शुक्रिया। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ, तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।